कुरुक्षेत्र के थाना सदर में। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद है। सचिन, अभी यही स्थिति है कि पंजाब पुलिस की कस्टडी में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा और वो पंजाब पुलिस की गाड़ियों का काफिला कुरुक्षेत्र के थाना सदर ले जाया गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी तेजिंदर पाल बग्गा जो है वो पंजाब पुलिस की कस्टडी में ही है, क्योंकि जिस बुलेरो गाड़ी में उसको बिठाया गया है उस गाड़ी से बेसिकली उसको बाहर नहीं निकाला गया है। उसको जो भी पानी वगैरह दिया जा रहा है वो सारा उसी गाड़ी में जो है वो दिया जा रहा है, उसको उस गाड़ी से निकलने नहीं दिया जा रहा है तेजिंदर बग्गा को बेसिकली। तो पंजाब पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में ही रखा है, उसकी कस्टडी पंजाब पुलिस छोड़ नहीं रही है। पंजाब पुलिस के SP जिनसे हमने बात की उन्होंने भी बताया कि हमने पूरा प्रॉपर प्रोसीजर जो है उसको फॉलो किया है तेजिंदर पाल बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा पुलिस की तरफ से। हालांकि ऑफिशियली कुरुक्षेत्र पुलिस की तरफ से कोई भी जानकारी जो है साझी नहीं की गई है, पर वहां अधिकारियों ने ऑफ द रिकॉर्ड जरूर ये कहा है कि हम फैक्ट्स वेरीफाई कर रहे हैं। और उस फ्यूल स्टेशन से, पेट्रोल पंप से जहां तेजिंदर बग्गा की गाड़ी जो है काफिले को रोका गया था पंजाब पुलिस का, उस काफिले से अब जो है चंडीगढ़ की तरफ बढ़ने के बजाय काफिला जो है वापस कुरुक्षेत्र की तरफ चला गया है। और कुरुक्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र के थाने में है, थाना सदर में जो है उसको लेके जा रहे हैं फिलहाल। कुरुक्षेत्रा में जो है ये तेजिंदर पाल बग्गा का जो काफिला है उसको जो है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से इसी से जुड़ी आपको बता दें, बड़ी खबर ये है कि दिल्ली पुलिस जो है जो कि कुरुक्षेत्र पहुंचने वाली थी वो उसको लेकर भी अपडेट आ रहा है, लेकिन हरियाणा पुलिस बग्गा को दिल्ली ले आ सकती है, इस वक्त की बड़ी खबर है। अभी बग्गा जो है कुरुक्षेत्र सदर थाने में है और इसी को लेकर अपडेट्स के साथ अभिषेक रावत हमारे सहयोगी जुड़ गए। अभिषेक, तो हरियाणा पुलिस अभी तक उसको सदर थाने में लेकर रखे हुए, लेकिन वो पंजाब पुलिस की कस्टडी में, अब खबर ये आ रही है कि हरियाणा पुलिस ही वापस दिल्ली लेकर आ सकती है बग्गा को। नजरिए वो ये है कि हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस की टीम और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को वापस दिल्ली लेकर आ सकती है, क्योंकि दिल्ली में पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही साथ जिस तरीके से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को यहां से ले जाया गया है वो भी गैर कानूनी तरीका अपनाया गया था पंजाब पुलिस के द्वारा, इसलिए यहाँ दिल्ली में पंजाब पुलिस की टीम के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। और अभी जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक तेजिंदर पाल सिंह बग्गा और जो पंजाब पुलिस की टीम है उसे थाना सदर कुरुक्षेत्र में रोका हुआ है, और काफी विचार विमर्श के बाद अब ये तय किया गया है कि हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस की उस टीम को जिसने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को दिल्ली से पकड़ा था उसको और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को दोनों को ही वापस दिल्ली लेकर आएगी। क्योंकि अभी ये जानकारी भी आई थी कि कुछ समय पहले पंजाब के जो DGP हैं उन्होंने भी हरियाणा पुलिस को इस पूरी गिरफ्तारी के बारे में लिखित में जानकारी दी और उन्हें ये बोला कि आप जो है पंजाब पुलिस टीम को वापस पंजाब आने दें। तो अब ये ताजा अपडेट आ रहा है कि हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस की टीम को और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को वापस दिल्ली ला सकती है, कुछ ही देर में ये स्पष्ट भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकाला जाएगा, हरियाणा पुलिस क्या खुद अपना पल्ला बीच से झाड़कर निकलना चाह रही है इस मामले में कि मामला दिल्ली और पंजाब पुलिस का है, आपस में निपटे, या फिर हरियाणा पुलिस यहां पर दिल्ली पुलिस का साथ देती हुई नजर आ रही है कि साहब दिल्ली पुलिस ने क्योंकि अपहरण की शिकायत पहले कर दी थी तो फिर वो तेजिंदर पाल बग्गा और उन पुलिस कर्मियों को जो तेजिंदर को गिरफ्तार करके लेकर जा रहे थे उन्हें दिल्ली पहुंचा रही है। देखिए इसमें जो है ना CRPC की एक सेक्शन होता है सेक्शन 41, इसके तहत अगर पूरे देश में कहीं पे भी किसी के खिलाफ कोई FIR दर्ज है, कोई आरोपी है, तो उसे पूरे देश की कोई भी पुलिस अगर उसके पास जानकारी है कि फला मामले में ये आरोपी वांटेड है तो उसको वो गिरफ्तार कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम गिरफ्तार की बात तो नहीं कह रहेंगे क्योंकि पंजाब पुलिस की टीम को वहां पर रोका गया है। तो इसी सेक्शन के तहत हरियाणा पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो पंजाब पुलिस की टीम जिनको आरोपी बनाया गया है उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है, लेकिन अभी गिरफ्तारी की बात नहीं की गई है, ना ही इस पर कोई विचार विमर्श किया गया है। फिलहाल यही है कि बीच का रास्ता अपनाते हुए हरियाणा पुलिस ये चाह रही है कि दोनों को ही दिल्ली वापस लौटा दिया जाए ताकि जो मामला है वो कानून की प्रक्रिया के इतर वैसे ही निपट जाए और वो दिल्ली पुलिस को आगे की कानूनी कार्रवाई करनी है वो दिल्ली पुलिस करे। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए अभिषेक रावत। इसे बीच का रास्ता आप कह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर पंजाब पुलिस इसका विरोध करती है तो क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो SP है मोहाली के मनप्रीत सिंह, उन्होंने कुछ देर पहले हमारे संवाददाता सचिन से बात की थी और ये जो अरेस्ट किया है उसे लीगल बताया था और क्या कुछ कहा था सुनवाते हैं आप।
पंजाब ते पंजाबियों दा परछावा पंजाबी साडियां बावा एबीपी सांझा हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते डाटा प्ले चैनल नंबर 1939 ते एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो एबीपी सांझा जोश जज्बा जुनून